और नजमा को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप बताओ? बोलना नजमा असलम भाई की तरफ से आई लव यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़िया तबारक और आज एक बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही हसीन सुबह है और हम नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद के दुल्हन पराठे की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनी हैं। काफ़ी हैवी किस्म का पराठा होता है वो, काफ़ी यूनिक तरह का होता है और नाम भी उसका है दुल्हन पराठा। इसके अलावा वहीं पर करीब में है हाजी रबड़ी जो कि हैदराबाद की बहुत मशहूर हैदराबाद की सौगात है। इसके अलावा भी वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम एक्सप्लोर करेंगे, ट्राई करेंगे। इसके बाद हमको आगे मज़ीद शहरों में भी जाना है, मज़ीद चीज़ें नई नई खाने की डिस्कवर करनी है, तो आप लोगों में कहीं जाना नहीं है क्योंकि बहुत ज़बरदस्त वीडियो आने वाली है। लेकिन फ़िलहाल चलते हैं हैदराबाद और देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। चलें अच्छा भाई, हम पहुँच चुके हैं यहाँ। ये शाही बाज़ार कहलाता है और ये अंदरून की गलियाँ हैं हैदराबाद की, काफ़ी छोटी छोटी पुरानी पुरानी गलियाँ हैं और यहीं पे वो बना हुआ है अफजल कैफ़े जिसका दुल्हन पराठा जो है ना वो पूरा इधर है। इधर है भाई, इधर 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 जा रहे हैं हम। और आज फ्राइडे है और सारी दुकानें जो है ना वो इस वजह से बंद है। फ्राइडे के बाद मेरे ख्याल में बाज़ार खुलेगा तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश वश हो जाएगा। काफ़ी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पुरानी पुरानी खिड़कियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। क्या बात है, भाई ये है अफजल कैफ़े और यहाँ पे दुल्हन पराठे का ना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का माहौल बना हुआ है और हलवा पूरी भी होती है इनके पास। काफ़ी ज़बरदस्त तरीका है बनाने का, चेक करते हैं। अबे केसर हैं क्या खुलने? 150 इनको दे दे, 150 ले ले सर, 300 वाला ही है। सुबह सुबह का टाइम है भाई ये, और आप दृश्य देखें कि यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का रश लगा हुआ है। 250 वाला है ये इधर से खाली होता है। स्पेशल तरीका है इसका कोई बनाने का? दूध मैदे में गुंदाई होती है इसमें, दूध मैदे होता है, मक्खन होता है उसके अंदर, दूध मैदा मक्खन तीन चार आदमियों के हाथ से निकलता जब आता है। अच्छा, वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। मोहम्मद फैसल, फैसल भाई ज़बरदस्त दुल्हन पराठे की मशहूरी दूर दूर तक हो रही है, क्या खास बात है इसमें? खास बात ये है कि हमारे खुद के अपने मसाले हैं जो हम इस पे भुरकते हैं। 12 जड़ी बूटियों का मसाला होता है। अच्छा, हमारे वालिद का इंतकाल हो गया, उनकी जड़ी बूटियों का मसाला जो अभी तक चल रहा है। जो फीलिंग होती है रेशे की, मुर्गी की, मुर्गी का रेशा, कीमा और ये अदरक, चुकंदर, काजू, लीमू और स्ट्रॉबेरी आ गई है अभी सीज़न के हिसाब से। स्ट्रॉबेरी भी लगा रहे हैं, स्ट्रॉबेरी भी डलती है, स्ट्रॉबेरी भी डलती है इसमें। हाँ दुल्हन की तरह सजाते हैं इसको। ये और तो कहीं मैंने देखा नहीं है ऐसा पराठा, भी नहीं है अल्लाह के हुक्म से पूरे पाकिस्तान में। कितना अरसा हो गया इसको? तकरीबन कोई 40-50 साल हो गए। 40-50 साल छुरी बड़ी एक्स्ट्रा असलम भाई। छुरियाँ बहुत गड़बड़े होनी चाहिए, छुरियाँ बहुत रख रखी है ना। ये ले बहुत ही वाइब्रेंट बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है यहाँ का और यहाँ पे बराबर में पूरियाँ बन रही हैं और ये एक स्कूल भी बना हुआ है, नियाज़ी ग्रामर बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल। और एड्रेस है यहाँ का सरस्वती लाइन रेशम बाज़ार हैदराबाद सिंध। और ये आप देखें कि कितनी कितनी पुरानी यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, ये कितना ज़बरदस्त किस्म का, ये चेक करें आप, क्या बात है। कितने का होता है ये पराठा? दुल्हन पराठा, दुल्हन पराठा 300 वाला भी होता है, 350 वाला भी, 250 वाला। क्या फर्क होता है इनमें? इसमें मटेरियल का फर्क होता है, रेशा कीमा रहा है, रेशा और लेग पीस बढ़ जाते हैं, जहाँ एक लगाते हैं वहाँ दो लगा देते हैं 350 वाले में। अच्छा, दूर दूर से मेहमान आते हैं उनके लिए लोग लेके जाते हैं।
कराची के इधर सुबह कितने बजे शुरू करते हैं? कब? सुबह 7 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक। हाँ, पूरी भी होती है 20 रुपए की, एक हलवा होता है 100 रुपए पाव मावे का, ये रहा मावा, ये रखा हुआ ट्रेन में, बनाओ इसकी वीडियो। अच्छा, ये बताएं कि ये जो नाम है दुल्हन पराठा, दुल्हन का नाम क्या है, मतलब वजह? वजह ये है कि जब दूल्हा और दुल्हन की जब शादी होती है, दूसरे दिन का जो नाश्ता होता है वो यहाँ से लेके जाते हैं। अच्छा, दुल्हन यही नाश्ता करती है, वो जो नाश्ता लेके जाते हैं दुल्हन के घर वाले सुबह के टाइम पे, जो नाश्ता जाता है ना 12 बजे, वो यहाँ से ही करते हैं। तो ये है स्पेशल नाश्ता, खास नाश्ता, डेकोरेटेड नाश्ता, ये नाम है दुल्हन पराठा। आपकी दुल्हन का? हाँ, नजमा नाम है उनका। आपकी दुल्हन का नाम है? अच्छा अच्छा, एक ही बात समझ ले लो। ये पराठा जो है भाई, ये इस पराठे के 4 पीस करे गए हैं, ठीक है, फिर उसमें कीमा भरा जा रहा है और उसके बाद इसमें 8 कट लग रहे हैं। ये आ गए, इसके बाद मसाला, ये मसाला डाल रहा है, 12 जड़ी बूटियों का मसाला, ये आज ही के टाइम से चलता आ रहा है। अच्छा अच्छा, अभी अंडे की बिलिंग हो रही है इसमें, और जब भी बोल रहे स्कूल बोल रहे क्या नाम है, ये नजमा लाओ, जरूर ले लो, नजमा का नाम जरूर लो। चुकुंदर, ये नजमा है कौन? अरे पटवारी भाभी है ना, समझ। अबे चुकुंदर डालियो, सबको ऊपर चिकन आ गई, चिकन है ये, फिर दोबारा मसाला है, और ये स्ट्रॉबेरी है, अरे वाह, और ये लेग पीस आ गया इसके ऊपर, क्या बात है, क्या बात है, ये आ गया। वो बादाम पिस्ते, बादाम काजू देना भाई है, थोड़ा मावा भी डालियो, ये आया चुकुंदर का मावा। भाई मास्क नीचे तो करो, आपकी शक्ल तो अब नजर आएगी ना, नजमा को शक्ल, नजमा को आएगी। सही है सही है, एक स्पेशल पराठा हमारे लिए, आपके लिए लगाते हैं हम स्पेशल पराठा, आप बैठे जबरदस्त। मेरा इन भाइयों को खिलाओ तो यार। अबे शब्बू, रेशे की थैली हसनैन से निकलवा, नजमा तक पैगाम पहुँचेगा, एक पराठा नजमा के लिए, स्पेशल लगा दें सर, इनको थोड़ा बिठाए काजू डालियो थोड़ा सा, भाई को पराठा भी ले रहा हूँ। रेडी रेडी हो गया आपके लिए, हो गया स्पेशल पराठा रेडी। ये आ गया भाई हमारा स्पेशल दुल्हन पराठा, वाह भाई वाह, थैंक यू असलम भाई, असलम भाई थैंक यू भाई, जबरदस्त। ये देखिए आप चेक करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पराठा है भाई, और यहाँ पे इसका बड़ा क्रिस्पी सा टेक्सचर है, अंदर कीमा भरा हुआ है और ऊपर इसके जो है ना, ये काफ़ी सारे लवाजमात है। टेस्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, बहुत ही ज़बरदस्त पराठा है भाई, स्पेशली जो असल चीज़ है ना, वो इनका जो मसाला इन्होंने इसके ऊपर डाला है, फर्स्ट बाइट लेते ही जो समोसे का एक टच आता है, थोड़ी सी वैसी फीलिंग आती है, क्योंकि जो कीमा है वो समोसे के स्टाइल का इन्होंने इसके अंदर कीमा डाला हुआ है, लेकिन जो ये जो 12 जड़ी बूटियों का मसाला है ना, असल जो मज़ा है वो उसी का है। बहुत ही मज़ेदार, थोड़ा सा ये जो इन्होंने मक्खन दिया है, अंडा दिया है, इसके साथ भी इसको थोड़ा सा टेस्ट करते हैं भाई। फ्राइड चिकन है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, और यहाँ पे जो है ना, ये चेक करें आप, इतने सारे इसके अंदर लवाजमात हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है भाई। 350 वाला पराठा है ये चिकन का, इसके अंदर ऑलरेडी कीमा है, थोड़ा सा मैं चिकन भी इसके अंदर डाल रहा हूँ, ये थोड़ा सा ये काजू भी इसके अंदर डालते हैं, हल्का सा ये अंडा भी आ जाए, और
ये आ जाए ऊपर से स्ट्रॉबेरी, चने के साथ भी भाई इसको ट्राई किया है, लेकिन ये पराठा ऐसा है कि इसके साथ और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। और ख़ास जो चीज़ है ना इसकी, वो इसका ये मसाला है जो इन्होंने इस चीज़ के ऊपर डाला हुआ है, क्योंकि चिकन के ऊपर भी वही मसाला है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट दे रहा है। हर बाइट में डिफरेंट टेस्ट आ रहा है, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़ेदार। और ये एक पराठा इतना बड़ा है कि एक बंदा अकेला इसको खा नहीं सकता, और अगर खा लेगा तो रात तक कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आला, बहुत ही बेहतरीन, ज़बरदस्त। और नजमा को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? हैं नजमा, देखो पहुंच जाएगा, तुम्हारा मैसेज पहुंच जाएगा, बताओ। नजमा असलम भाई की तरफ से आई लव यू। असलम भाई की तरफ से? उसने भी असलम भाई बोल दिया तो क्या होगा, बात खत्म हो जाएगी। ओके भाई, पराठा खा के अब हम चलते हैं ज़रा हाजी रबड़ी की तरफ, क्योंकि वो भी यही 400 मीटर दूर है, करीब में ही है, और उनकी रबड़ी भी बहुत पुरानी है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फेमस है। तो हैदराबाद की रबड़ी खाने चलें। अस्सलाम वालेकुम, ये हाजी रबड़ी आगे कितनी रेट में आगे पड़ेगी? हैं कितनी रेट में आई? ये आ गई है भाई हाजी रबड़ी सिंस 1948, और ये हाजी रबड़ी जो है ना वो एक तरह से हैदराबाद की पहचान है। अच्छा भाई, हम आए थे हाजी रबड़ी के ऊपर, और हाजी रबड़ी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन इसी हाजी रबड़ी की गली के अंदर ये हाजी रहमतुल्ला रबड़ी, अलवसीम रबड़ी ये भी है, आगे अलजमील रबड़ी भी है। और जो हाजी रबड़ी हैं, क्योंकि माशाल्लाह उनका काम ज़्यादा चल रहा है और बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, तो हम वहाँ गए थे, लेकिन वो काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, और हम यहाँ पे आए रबड़ी खाने के लिए। तो हम चाहे रबड़ी हाजी की खाएं या वसीम की खाएं, रबड़ी तो रबड़ी है। तो भाई वसीम भाई की रबड़ी जो है वो टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है। वसीम भाई, यहाँ पे लस्सी भी है माशाल्लाह, आपके पास रबड़ी भी है, कितनी पुरानी दुकान है आपकी? सर तकरीबन 50 साल पुरानी दुकान है, हमारी चौथी नस्ल ये काम कर रही है। चौथी नस्ल काम कर रही है, तो ये हाजी रबड़ी वो हमारे साथ के रिश्तेदार है, वो भी रेवाड़ी के हैं, हम भी रेवाड़ी के हैं ना। अच्छा, रेवाड़ी के, हाँ ये लिखा हुआ है ना, ये हाजी रहमतुल्ला रेवाड़ी वाले अल वसीम रबड़ी। तो रेवाड़ी कोई खास इलाका है? रेवाड़ी इंडिया के अंदर एक इलाका है, अपना एक पूरा शहर है ना इंडिया में, रेवाड़ी शरीफ के नाम से अजमेर के बराबर में लगता है। अच्छा, तो ये वहाँ से सिलसिला चला है, तो फिर यहाँ आके जब माइग्रेट किया था तो फिर यहाँ हैदराबाद आ गए थे, सिंध आ गए थे, तो यहाँ पर फिर रबड़ी का काम स्टार्ट किया था। तो वहाँ पहले जो रबड़ी होती थी वो एक मावे की शक्ल में होती थी, यानी कि प्लेन मावा होता था, और उसमें चीनी वाला मावा आप उसको कह सकते हो। यहाँ आके उसका नाम रबड़ी की शक्ल में चल दिया, तो फिर वो उसी हिसाब से चला जा रहा है। जबरदस्त, उठाना बेटा। लस्सी भी है भाई यहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लस्सी लग रही है। तो ये रबड़ी कैसा है? रबड़ी सर 600 रुपये के जी है। और लस्सी कितने की है? 60 रुपये का गिलास। 60 रुपये का गिलास है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये आ गई भाई रबड़ी, बहुत ही ज़बरदस्त लच्छेदार रबड़ी लग रही है ये वसीम भाई की रबड़ी। और ये भी उतने ही पुराने हैं जितने के हाजी रबड़ी वाले हैं। अरे वाह, ज़बरदस्त। रबड़ी की क्वालिटी होनी चाहिए कि उसका जो मीठा है ना वो बहुत हल्की मीठी हो, खीर की तरह, कस्टर्ड की तरह, ट्राइफल उसकी तरह मीठी नहीं हो बहुत ज़्यादा। और ये रबड़ी बहुत ही मुनासिब मीठी है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम जिया भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, खैरियत से? मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस देखी हैं, आपका बहुत अच्छा सब्सक्राइबर हूँ। कांप क्यों रहे हो भाई, ये हमारे सब्सक्राइबर हैं। क्या नाम है आपका? हम्माद नाम है। हम्माद नाम है इनका। हम्माद भाई जो है वो कौन सी क्लास में आप? जी मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे हूँ। यूनिवर्सिटी लेवल पे, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, और वीडियोस देखते हैं, पसंद आती हैं आपको? रबड़ी खाएं? नहीं नहीं, चेक करें। ओके भाई, इसी मज़ेदार से दुल्हन पराठे के साथ और वसीम भाई की रबड़ी के साथ हमारे आज के इस एपिसोड का अख्तिताम हुआ। अभी हमें आगे और भी शहरों में जाना है, तो इंशाल्लाह आप लोग स्टे ट्यून्ड रहें, क्योंकि बहुत मज़ेदार वीडियोज़ आने वाली हैं। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक भी करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।